बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के भरको गांव के मुखिया हत्याकांड में फरार अभियुक्त नीरज चौधरी के घर पर थानाध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली के द्वारा इश्तेहार चिपकाया गया। पुलिसकर्मी ढोल बाजा के साथ भरको गांव पहुंचकर हत्याभियुक्त के घर इश्तेहार चिपकाते हुए घर में मौजूद सदस्यों को दो दिन के अंदर फरार अभियुक्त को समर्पण करा देने का निर्देश दिया। थानाध्यक्ष ने आरोपितों के परिजनों को निर्देश देते हुए कहा कि अगर दो दिन के अंदर अभियुक्त समर्पण नहीं करेंगे तो पूरे आवास में कुर्की जब्ती किया जाएगा। हम आपको बता दें, भरको गांव के मुखिया परवीन झा की बोलेरो से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मुखिया के बहनोई ने राजीव चौधरी, नीरज चौधरी समेत सात लोगों को नामजद करते हुए साजिश के तहत बोलेरो से कुचलकर हत्या कर देने का आरोप लगाया था। पुलिस की बढ़ती दबिश से घबराकर दो लोगों ने न्यायालय में समर्पण कर दिया था। शेष अभियुक्त फरार चल रहे थे। थानाध्यक्ष ने बताया कि हत्याभियुक्त के घर से फिलहाल इश्तेहार चिपकाते हुए आरोपित को समर्पण करने के लिए दो दिन का समय दिया गया है। दो दिन के अंदर अभियुक्त अगर समर्पण नहीं करेंगे तो अभियुक्त के घर पर कुर्की जब्ती की जाएगी। इस अवसर पर थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक सुनील कुमार समेत महिला पुलिस कर्मी व अन्य पुलिस बल उपस्थित थे। क्यों नहीं कर रहा है सिलेंडर? कब तक भागेगा कोर्ट से? आवाज़ खुल जाएगा। हाँ तब कुल निकल जाएगा, कल कुल की निकल जाएगा। तो कहिए कल से परसों तक मैं कोर्ट में सिलेंडर कर दे। कोई है? कोई भी अपने नहीं। दस्तखत करते हैं आप? टीप कहाँ? तो टीप हम लेते हैं। इतना पुराना आदमी दस्तखत कर दिए तो कम। क्या नाम हुआ आपका?